पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। शिवालिक विकास बोर्ड के अध्यक्ष बने ओम प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आज जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने मोरनी के इस पिछले हुए क्षेत्र में आने का निर्णय लिया, इसको कैसे देखते हैं आप? भाई साहब, आज एक ऐतिहासिक दिन बनेगा ये हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, खास करके 14 भोज घटाए के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी इस दिवाली के पर्व पर यहाँ पहुँच रहे हैं। किसी जमाने में कभी सोच भी नहीं सकते थे कि यहाँ ऐसे हालात हो जाएंगे, और मुख्यमंत्री जी ने खुद चुना है, खुद मरोग के स्कूल का अमड़ी मरोग ये स्कूल जो चुना है, ये पहला इतिहास है कि 14 भोज घटाए में माननीय मुख्यमंत्री जी बूथ स्तर पर आ रहे हैं। हम उनका बहुत स्वागत करते हैं 14 भोज घटाए की तरफ से, और मैं भी शिवालिक डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन के अहदे पर आया हूँ। सेवा करने का मौका मुख्यमंत्री जी ने दिया है। यहाँ बहुत बड़ी तंगियाँ हैं, आपने आज देखा है। आप ये देखो कि गांव में पहुँचने का रास्ता नहीं, स्कूल में पहुँचने का रास्ता नहीं, मतलब एक गाड़ी भी बड़ी डर डर के लोग लेके आए, रास्ता नहीं। यहाँ बहुत काम होने वाला है। जैसे कूलें हैं, अब ये ग्रेविटी में पानी आता है, ये ग्रेविटी का पानी अगर कूलें पक्की हो जाए तो खेतों को पानी चला जाएगा। कई ऐसे हैं, जैसे ये खेत हैं, अब नीचे डंगा को टूट गई बरसात में, जमीन का पार्ट को गिर गया, इनके पास ये भी नहीं कि 50,000 या 1,00,000 रुपया लगाकर ये लोग उसका डंगा लगवा दें। 10 गांव में एक नदी निकलती है, वो 10 गांव को पानी सिंचाई कर सकती है, अगर उसका बंद लग जाए। क्या हल क्या है इन समस्याओं का? बहुत जल्दी, अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना इसकी तरफ देखा है, और ये ड्यूटी हमारी भी लगाई, और जनता के बीच में आके आज ये सारी हल निकालने के लिए बात करने के लिए। मोरनी एरिया पिछड़े का पिछड़ा रहा, और विशेषकर ये मरोग क्षेत्र जी, इसका कारण क्या मानते हैं? बस पिछली सरकारों का कारण था। आज देखो, यहाँ तक कोई पहुँचा ही नहीं। इतिहास में पहले मुख्यमंत्री जी होंगे जो यहाँ शायद आ रहे हैं, कोई आ ही नहीं। आज वो देखो ना, जो मुख्यमंत्री एक स्टेट का मुखिया यहाँ आ जाए तो आज सारी मसले जो हल हैं वो बताए जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे बैठे यहाँ, 14 गाँव का स्कूल है ये, 13-14 गाँव का स्कूल है, छोटे छोटे गाँव, 14 में प्राइमरी स्कूल है। आज यहाँ आने के बाद हम तो डिमांड करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ये स्कूल भी अपग्रेड हो, इस इलाके की ये सड़क भी देखो ना, खरटा से लेकर और ऊपर बजड़ौली तक बने, यहाँ ITI भी बन सकती है। 40 बीघा जमीन भी है इन गाँव वालों के पास, गाँव वाले देने के लिए तैयार हैं, और जो भी कोई काम है। ओम प्रकाश जी, मैंने जब पुरुषमान जी ने पहले इलेक्शन लड़े तब से आपको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, राजनीतिक रूप से आपको जानता हूँ, मैं भी पत्रकारिता में काफ़ी पुराना हूँ। तब से लेकर अब तक अगर माना जाए 1991 और आज 2022, कितना टाइम हो गया, ये इसको कैसे सुधारा जा सकता सारी व्यवस्था? देखो, मैं ये तो कहूँगा धर्माणी जी, कुछ तो हुए हैं काम, क्योंकि यहाँ ऐसा भी दौर था कि पालकी के ऊपर उठा के लाते थे, अगर कोई बीमार हो जाता था। अब ये बड़ी शहर है, बड़ी शहर के पास पार 20-25 गांव हैं, इस तरह को टच करते, यहाँ कोई पुल ही नहीं था। पुल लगने से बाद क्या हुआ, इनके टमाटर है, हल्दी है, सूंड है, जो भी सब्जियां हैं, अब इनकी गाड़ी सीधी कम से कम चंडीगढ़ मंडी में तो जाने लगी, पंचकुला मंडी में जाने लगी। पहले खच्चर का किराया ही खा जाता था, सहूलत हुई है, जिसने मौका आया सबने काम किया, पर आज बहुत बड़ा कार्य होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी दिवाली यहाँ मना रहे हैं तो बहुत बड़ी दिवाली है। कुछ बच्चों से भी चर्चा करनी चाहूँगा, क्या नाम है बेटे आपका? तो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं BA। कहाँ पढ़ने जाते हैं? पंचकुला। यहाँ से पंचकुला डेली अप डाउन करना पड़ता है, कौन से साधन? बस में जाते हैं। आपका क्या नाम है? रजनीश। आप क्या कर रहे हैं? मैं जॉब करता हूँ जी। तो आपको आवागमन में दिक्कत नहीं होती? दिक्कत होती है जी, बारिशों में ज़्यादा दिक्कत होती है, यहाँ पे कच्चे रोड हैं, कच्चे रोडों में पानी की समस्या है, बारिश होती है, बारिश के टाइम पे सारे रोड खराब हो जाते हैं, तो पैदल चल के जाना पड़ता है। यहाँ से 5-6 किलोमीटर ऊपर आप पैदल जाते हैं, उसके बाद आप बारिश में भीग भी जाएँ, वो भी चीज़ है, बारिश हो या गाड़ी हो कोई जाने वाली, तो हम लोग भीगने से बचें, क्योंकि पंचकुला जाना होता है, कॉलेज ऑफिस में जो भी जाते हैं यहाँ पे, जितने भी बच्चे जाते हैं नॉर्मली, बारिशों के टाइम में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। बारिश देखिए, यहाँ के अगर विकास कार्य पूरे गति से होते हैं तो निस्संदेह लोगों को राहत मिलेगी, और मुख्यमंत्री का आना अपने आप में ये संकेत देता है कि इस एरिया का कहीं ना कहीं कायाकल्प करने की तैयारी है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ के लोग बता रहे हैं, ओम प्रकाश जी बता रहे हैं कि जिस प्रकार से बारिशों में बच्चों को दिक्कत आती है, एजुकेशन का लेवल यहाँ पर हाई होना चाहिए, ये प्राइमरी स्कूल है, 14 गाँव का एकमात्र प्राइमरी स्कूल है, तो निस्संदेह जो यहाँ के लोग हैं मुख्यमंत्री की तरफ इस दृष्टि से देख रहे हैं कि यहाँ के काम और प्रगति और तेजी से हों। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी TV मोरनी।